अच्छा आज मुझे एक बार बताएं कि बच्चे की स्किन कैसी होती है, जब हम उसको टच करते हैं तो आपको कैसा फील होता है? होता है ना बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल जेंटल, बिल्कुल सफल, बिल्कुल चिकनी और बिल्कुल प्यारी सी होती है ना? होती है कि नहीं होती है? होती है ना? अगर यही स्किन आप लोगों को मिल जाए तो क्या मैं मजाक कर रही हूँ? आप में से बहुत सारे लोगों का यही रिएक्शन होगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन आज का जो DIY है ना, या डेफिनेटली आपकी स्किन को बच्चे के जैसी ही बना देगा। बस जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपको, वैसे वैसे लगातार उसको फॉलो करना है, और इसको यूज करने के बाद आपको लगेगा, आपको दिखेगा कि हाँ मैं मजाक नहीं कर रही थी, वाकई में ऐसा होता है, और वो भी घर के DIY से, जिसमें आपका कुछ भी खर्चा नहीं। तो सबसे पहले आपको लेना है स्टीम। स्टीम आपको वीक में सिर्फ दो बार लेना है, दो बार से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर से ले सकते हैं, नहीं तो जैसे मैं एक बर्तन में पानी को गर्म कर लें अच्छे से, अपना जो फेस है उसको टॉवल से कवर कर लें, इस तरह से भी आप स्टीम ले सकते हैं। आपको लगे कि आपकी स्किन से पसीना टपक रहा है, पानी टपक रहा है, मतलब कम से कम 10-15 मिनट तक आपको इसी तरह से अपने फेस को कवर करके रखना है। उसके बाद आपको फेस पोंछ लेना है, और फेस पोंछने के बाद जो अभी मैं फ़िलहाल DIY बताने जा रही हूँ वो वाला DIY आपको अप्लाई करना है। लेकिन ध्यान में रहे, आपको स्टीम वीक में सिर्फ दो बार लेनी है, और जो DIY बताने जा रही हूँ वो आपको लगातार 30 दिन तक करना है। तो फिर चलिए हम जल्दी से देखते हैं कि कौन सा DIY है। DIY को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा ऑफकोर्स कोई भी बर्तन, कटोरी, जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं उसमें आप ऐड करें मेरा ऑल टाइम फेवरेट, जिसको मैं हर रोज अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, दही। अगर घर में नहीं जमाते हैं तो जमाना स्टार्ट कर दीजिएगा, ये आपके फेस के लिए बहुत सारे काम करती है, एज ए क्रीम, एज ए पैक, एज ए एंटी एजिंग क्रीम, एज ए डार्क सर्कल क्रीम, एज ए लिप बाम, सब कुछ। अकेली दही आपके बहुत फेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी। तो या जो पैकिंग वाला दही आता है वो इतना अच्छा नहीं होता है, जो दही आप घर में जमाते हैं खुद वो ज़्यादा बेस्ट होता है। दही लेने के बाद आपको उसके अंदर ऐड करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच दही, तो आधा चम्मच आपको यहाँ पे लेना है हनी। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद आपको फेस पे अप्लाई करना है कुछ इस तरह से जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। लगा के छोड़ देना है जितनी देर भी आप छोड़ना चाहे, मैं मतलब कि मिनिमम आपको 20 मिनट तो लगाना ही लगाना है। अगर आप 20 मिनट से ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। 20 मिनट के बाद आपको सिंपल पानी के साथ धो देना है। अगर आप ये वाली प्रोसेस, वैसे तो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाली प्रोसेस अगर आप रात को सोने से पहले करेंगे ना, और इसको करके सो जाएंगे, और फिर सुबह उठ के अपना फेस जब आप मिरर में देखेंगे ना, वाह, गजब का निखार आपको अपने फेस पे मिलने वाला है, क्योंकि खुद मैं ऐसा ही करती हूँ। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये जो फेस पैक है, जो ये स्टीम है, ये आपकी लगभग सभी प्रॉब्लम को रिमूव करके आपको एक बेबी सॉफ्ट, सफल, जेंटल, अच्छी स्किन देगा। सच में, बिलीव मी, एक बार इसको करके ज़रूर देखेगा, और आपका जो भी फीडबैक है वो मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपके जवाब का, कि इस फेस पैक ने या इस प्रोसेस ने आपके फेस पे कितना वर्क किया है, क्या वाकई में आपकी स्किन एक बेबी सॉफ्ट स्किन बन गई है, क्योंकि या इसने मेरे फेस पे बहुत अच्छे से, आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस पे कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं किया है, और मैं लगातार डेली रूटीन में दही ही इस्तेमाल करती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, दीदी क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, तो मैं सिर्फ दही ही ज़्यादा लगाती हूँ। लगाती तो और चीज़ें भी हूँ, लेकिन दही मैं कभी भी नहीं छोड़ती। दही हर रोज़ आपको मेरे फेस पे मिलेगी ही मिलेगी। तो आप इस DIY को जरूर ट्राई करें, आपका जो फीडबैक है मुझे बताएं। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको पता ही है क्या करना है, आप बहुत समझदार हैं। मैं मिलती हूँ आपको एक और पहले से अच्छी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।